गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है आपका कन्वर्जन। आप आज ये पढ़ोगे कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में या गैस से सॉलिड में कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, इन सारे चीज़ों को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। आप लोगों को जो कुछ भी ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है वो काफ़ी मेहनत से किया जा रहा है, और इसे बहुत मेहनत से पढ़िए। नोट्स आपके बाद में बन जाएंगे, और आपको जब आपके ऐप पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, और ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद ही थोड़ा सा और लेक्चर बचा है, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सामने होते तो इस चीज़ को और अच्छे से समझाया जाता, क्योंकि सामने पढ़ाने पर बच्चों का रिस्पॉन्स समझ में आता है, और ऑनलाइन पढ़ाने पे बच्चों का रिस्पांस दिखता नहीं है, तो बच्चों को क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया इस बात की प्रॉब्लम रहती है। पर कोई बात नहीं, जब हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाएगी। तब तक के लिए आप इससे स्टडी करिए। एक छोटा सा टॉपिक है कन्वर्जन, छोटा है लेकिन यहीं से क्वेश्चन आता है। छोटा भले है लेकिन क्वेश्चन यहीं से मेनली उठता है, क्योंकि क्लास 6, 7, 8 में आप सॉलिड प्रॉपर्टी, लिक्विड प्रॉपर्टी, गैस की प्रॉपर्टी बहुत पढ़ते हैं, सबको पता रहता है। मेन आपका ये कन्वर्जन है। अब इस कन्वर्जन को हम सिंपली आपको एक छोटे से तरीके से बताएं। एक आप एग्जांपल ले लो आइस का, ये आइस है आपका। ठीक है, ये किस फॉर्म में है? ये है आपका सॉलिड फॉर्म में। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आइस से ये बनेगा क्या? वाटर। ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। वाटर से ये बनेगा क्या? वाटर वेपर, मतलब कि आप गैस भी बोल सकते हो। ये किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। मैंने वाटर का एग्जाम्पल इसलिए लिया बिकॉज इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन हाउ द कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड टू गैस, गैस लिक्विड टू गैस, एंड गैस टू सॉलिड। आराम से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। अब देखो, कोई भी चीज़ सॉलिड में है, सॉलिड में है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में। तो आप आइसक्रीम खाते हो ना, जब आइसक्रीम जो है गलने लगती है तो आप कहते हो आइसक्रीम मेल्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा रहा हो तभी ना मेल्ट कर रही है। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है? मेल्टिंग। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड, दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे, भाई कोई भी कन्वर्जन विदाउट टेम्परेचर तो होगा नहीं, ठीक है ना। जिस टेम्परेचर पे ये होगा उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब आते हैं लिक्विड से गैस में। आप एक कंटेनर में वाटर को लीजिए और उसको गैस पर रख दीजिए बॉयल होने के लिए। कुछ देर बाद आप देखोगे पानी क्या होगा, वाटर वेपर बन करके ऊपर निकलने लगेगा, भाप बन करके निकलने लगेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपका हो गया इवेपोरेशन। मतलब जो लिक्विड का गैस में कन्वर्जन है उसको आप क्या बोलोगे? इवेपोरेशन। इसका थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, इसका थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। अगर आप किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स तो क्या थे? काफ़ी दूर दूर थे। आपने इसको कंप्रेस किया होगा और ये आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कंडेंस कर दिया। क्या कर दिया? कंडेंसेशन कर दिया, ठीक। इसका जस्ट उल्टा, अगर आप लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब आपने एक बाउल में वाटर रखा, उसको फ्रिज में डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसका मतलब आपने क्या कर दिया? उसको फ्रीजिंग कर दिया। और ये सारी चीज़ें जिस टेम्परेचर पे होती हैं, आगे आप पॉइंट लगा दो, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इवेपोरेशन। वैसे इवेपोरेशन कोई पॉइंट नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट आपको बाद में बताएंगे हम, ठीक है ना, इवेपोरेशन के बारे में। अब सॉलिड से लिक्विड पढ़ लिया, लिक्विड से गैस पढ़ लिया, अब सॉलिड से गैस की बात करते हैं। कोई भी चीज़ सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती भी है या नहीं? आप लोग पूजा पाठ करते होंगे, कपूर जलाते हैं, कैम्फर को आपने देखा होगा कि जब भी आप उसको बर्न करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो कैम्फर सॉलिड में रहता है और बर्न करने के बाद तुरंत वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है ना। अब उसी कैम्फर को अगर आप दोबारा से गेन करना चाहो तो उसी को आप क्या कर दो, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर दो उसका टेम्परेचर डाउन करके, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन। मतलब सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में कन्वर्सन। तो इसकी एग्जांपल सिर्फ कैम्फर नहीं है, आयोडीन भी है। आप वो लोग अपने मन से कुछ एग्जांपल फाइंड आउट करिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा। ये तो एग्जांपल मुझे अभी दिमाग में याद आ रहा है। तो ये आपका हो गया कन्वर्जन, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो मेल्ट हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो फ्रीज कर रहा है, लिक्विड से गैस में जाएगा तो इवेपोरेशन हो रहा है, गैस से लिक्विड में आएगा तो कंडेंसेशन हो रहा है, सॉलिड से गैस या गैस सॉलिड तो सब्लिमेशन प्रोसेस। अब एक वर्ड है इवेपोरेशन, इसको थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा डीपली। जैसे एक क्लाउड का फॉर्मेशन आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा साइंस में, क्लाउड कैसे, बादल कैसे बनता है, तो पढ़ा होगा कि वाटर की इवेपोरेट करने से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, आप अपने कपड़े धुलते हो, छत पे फैलाते हो सूखने के लिए, पानी क्या होता है, गायब हो जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन आपने एक वर्ड और देखा होगा वेपराइजेशन, वेपराइजेशन भी एक वर्ड आता है। अब मैं आपको इसको सिंपली समझाऊँ कैसे। आप एक कंटेनर में ले लीजिए पानी, वाटर, आप उसको गैस पर रख दो बॉयल करने के लिए, ठीक। आप देखो, आपने वाटर लिया, आप इसको बॉयल करना चाहते हो, तो आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर नहीं पता है तो जान जाइए कि क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वाटर क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा, आपका वाटर बॉयल करने लगेगा। लेकिन आप कुछ देर बाद नोटिस करना, मैंने आपसे कहा ठीक है वाटर बॉयल कर रहा है, एक काम करो आप गैस बंद मत करो, गैस को बंद मत करो। तो आप अगर आप गैस नहीं बंद कर सकते हैं तो क्या होगा, कि क्या आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ेगा कि नहीं, 101, 102 डिग्री सेंटीग्रेड, 103, 104, 105, जस्ट लाइक दैट। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी सबस्टेंस का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कोई भी सबस्टेंस जिस टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो किसी भी सबस्टेंस का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी लिक्विड को गर्म करते हो, हीटअप करते हो, तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। दैट मीन्स यू ऑलवेज रिमेंबर दैट द लिक्विड ऑफ सॉरी इफ द लिक्विड रेज्ड दियर टेम्परेचर अप टू ओनली बॉइलिंग पॉइंट्स, आप बॉइलिंग पॉइंट को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हो, आपने गैस को बंद नहीं किया। अब होगा क्या, होगा यूँ कि अब आपका वाटर जो है स्टीम बन करके बॉइलिंग के साथ बाहर निकलने लगेगा। मतलब ये क्या हो गया कि जो आपका वाटर था ना, ये जो आपका वाटर था जो कि आपके लिक्विड के फॉर्म में था, ये आपका वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, मतलब भाप बनने लगेगा। तो आप इसको बोलोगे ये क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। क्यों बोलोगे वेपराइजेशन, क्योंकि पानी का टेम्परेचर क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच गया। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए कि पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। अब वो पहुंचने के बाद हम उसको हीट दिए जा रहे हैं, हम उसका हीट बंद नहीं कर रहे हैं, हम गैस बंद नहीं कर रहे हैं। तो जब हीट बंद नहीं करेंगे देना, उसका टेम्परेचर बार बार उसको बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा। अब वो सारी गैस की एनर्जी क्या करेगा, अपने वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है।
इवेपोरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कंटेनर में वाटर को लेते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में हमेशा मोशन होता है, और वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उनको हल्की सी भी हीट मिलती है ना तो वो क्या होते हैं, स्टीम बन करके बाहर निकल जाते हैं। सिंपल सा छोटा सा अंतर है कि इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन डज नॉट नीड टू बॉइलिंग पॉइंट, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही वो अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर देगा। हालांकि इसका अमाउंट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वेपराइजेशन क्या होता है, पानी बॉयल करेगा बहुत देर तक, उसके बाद जा कर के वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यही अंतर होता है इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में। तो क्लाउड का फॉर्मेशन इवेपोरेशन है, वेपराइजेशन नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि समुद्र का पानी बहुत तेज़ खौलेगा तब जाकर के वो बादल बनेगा, ऐसा नहीं होता। समुद्र का पानी धीरे 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 करके हर टेम्परेचर पे अपने आप को इवेपोरेट करता है और क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। वर्ड और है, एक वर्ड और है, ये आपका लेटेंट हीट। क्या होता है आपका लेटेंट हीट? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि आप किसी भी लिक्विड को हीट कर रहे हैं और उसके बॉइलिंग पॉइंट से आप ऊपर नहीं जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए, जब आप किसी भी चीज़ को बॉयल करते वक्त अगर आप गैस बंद नहीं कर रहे हो तो वो जो हीट आप दे रहे हैं वो हीट जा कहाँ रही है? मान लीजिए भाई, पहले वाटर का टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसके बाद आपने उसको गर्म किया तो 41 पहुंचा, 42 पहुंचा, 43 पहुंचा, 44 पहुंचा, 45 पहुंचा, ऐसे करते करते वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो आपने सोचा कि भाई टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से हम ऊपर जा ही नहीं सकते, ये निश्चित है, कॉमन सेंस है। तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहे हैं और तब भी हम हीट दे रहे हैं तो हीट यूज़ कहाँ हो रही है? वो हीट क्या कर रही है? वो हीट आपके स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर रही है। पहले आपका स्टेट ऑफ मैटर क्या था? लिक्विड था, बाद में क्या बन गया? गैस बन गया। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हुआ ना, तो ये किस वजह से हुआ? ये आपके लेटेंट हीट की वजह से हुआ। तो इसी को बोलते हैं छुपी हुई हीट, जो हीट आपको दिखाई नहीं देती है। पहले हीट क्या कर रही थी? टेम्परेचर को बढ़ा रही थी, और बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी, आपकी स्टेट को चेंज कर देगी। यही होता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।